बाबा का आशीर्वाद। SPM चैनल पर आपका स्वागत है। ये दीपक की आकृति आप सामने देख सकते हैं। इस दीपक की आकृति में आपको दो अलग अलग शक्तियों का दर्शन हो रहा है। जैसे दो पहाड़ बन गए हैं, उनकी अलग अलग आभा बन गई है। ये पितरों और पीरों की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब हमारे पितर हमारे ही देवताओं के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो उनकी ऐसी आभा और इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप पर जो सवारियां आ रही हैं उनमें पितर भी आपको सहयोग दे रहे हैं। नई नई चीज़ों को आपका आभास जो होना आपको शुरू हो रहा है वो स्वयं कराते हैं। पितरों की शक्ति को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। पितर की शक्ति मनुष्य के लिए देवता की शक्ति के बराबर ही चलती हैं। पितर रुष्ट हो जाएं तो हमारे कोई कार्य नहीं बनते हैं, चाहे देवता खुश रहें। इसलिए पितर खुश रहने बहुत आवश्यक हैं। पितरों की शक्ति से ही हमारे जो जीवन में है वो बदलाव आता है, संतान सुख प्राप्त होता है, घर में खाने की समस्या दूर होती है और प्रेम बना रहता है। अगर आपके घर में पितर और पीर की शक्ति जोड़ी में चलेगी तो आप बहुत जल्दी अपने सभी चक्रों को जागृत करके भविष्य को देखने की शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। पितर बहुत जल्दी अच्छी सी पूछा देते हैं। घर के वो एक तरह से मुखिया होते हैं, आपको घर में होने वाली हर परेशानी के बारे में आकर वो बता कर जाएंगे, हर खुशी के बारे में वो बता कर जाएंगे। पितर सदैव साथ देते हैं कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। कोई भी हमारी गलती पर वो हमें सदैव बता देते हैं कि ये गलती आपसे हो गई है। तो अगर आपके भी दीपक पर ऐसी आकृति बन रही है तो बहुत अच्छी है, लाभ देने वाली है। दो शक्तियों का संदेश आपको मिल रहा है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अब फ़ायदा कैसे उठाना है, इस समय काल को कभी भी व्यर्थ नहीं डालना चाहिए। अपनी भक्ति में रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों की चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति के घर में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इस समय, क्योंकि आपकी भक्ति नष्ट होती है। ज़्यादा किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। किसी भी अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं तो आपको दूसरे के कभी भी वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी दूसरे का वस्त्र धारण करते हैं तो उसका भी आप पर प्रभाव पड़ेगा। सदैव कम बोलने का प्रयास करें और लोगों से हंसकर और सुखमयी बातें करने का प्रयास करें, ज़्यादा लोगों से दूर ही रहें।